हाँ जी नूमी भाई की तरह से सबको सलाम। तो आज भाई पहली बात तो है कि आज जुमा तुलविदा है, जुमा तुलविदा मुबारक हो सबको। ये वीडियो तो शायद मैं अगले हफ्ते लगाऊंगा, आज क्योंकि एपिसोड नंबर 5 लग रही है, लास्ट एपिसोड क्रूज की। अच्छा मैंने आपको कहा एक इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका के कॉलोनीज कैसी होती हैं या मोहल्ले कैसे हैं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अपने देसी फ्रूट के ना पौधे लगाए हुए, तो मैंने कहा चलो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जो मेल आती है यानी जो डाक आती है, वो डाक इन डब्बों में ये डालते हैं। मेल वाला आता है आके सुबह, रोज डाक आती है। और दो घरों के दरमियान में जो है वो चार दीवारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ कुछ लोगों ने जिनके पास कुत्ते हैं, जैसे मेरे हमसाए के पास कुत्ते हैं, तो उन्होंने एक वो फैंसी लगाई हुई कुत्तों के लिए, लेकिन चार दीवारी नहीं है। तो चलें आपको कुछ फ्रूट के पौधे दिखाते हैं जो हमने लगाए हुए हैं, और कुछ चलते हैं बहुत अच्छे और कुछ नहीं चलते। ये आड़ू है लेकिन ये नहीं चल रहा, इसको मैंने 2-3 साल पहले लगाया था और अनफॉर्चुनेटली ये चला नहीं है। ग्रो कर जाता है, 2-4 आड़ू लग जाते हैं, वो लोग खा जाते हैं गुजरते हुए, लेकिन ये चला नहीं। तो मैं सोचता हूँ कभी हूँ कि इसको चेंज कर दें। तो ये साथ हमसाए का घर है, और आप ये देखें कि अगर आप यहाँ खड़े हो, अब बाउंड्री जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये बाउंड्री है बेसिकली, वो उन्होंने अपनी कुत्ते के लिए एक फैंसी लगाई हुई है। वो पीछे भी एक आम लगा हुआ है, ये मेरा आम लगा हुआ है, और बाकी दरमियान में दीवार नहीं। तो ये जो है जी, ये देखें, ये है अपना कोकोनट पाम, यानी कि ये वो कोकोनट है। तो मैंने एक कोकोनट लिया, उसको पहले मिट्टी में लगाया, थोड़ा सा ग्रो हुआ, कुछ 4-1 साल पहले की बात है, थोड़ा सा ग्रो होने के बाद मैंने यहाँ लगा दिया, और आज ये पूरा ऑलमोस्ट कोकोनट का बड़ा अच्छा पौधा बन गया। अभी दरख्त तो नहीं बना लेकिन पौधा बन गया है, तो कुछ अरसे के बाद शायद ये फल भी उठा। अच्छा ये जो अगला प्लांट है, ये है जी स्टार फ्रूट का, ये भी नया है, ये पिछले साल लगाया है। ये बिल्कुल एक फ्रूट है जिसको आप जब काटते हैं ना बिल्कुल सितारा लगता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टार फ्रूट। ये अभी पता नहीं अभी साल लगेगा ही नहीं है, लेकिन ये फूल थोड़े से लगे हुए हैं। तो ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पाइनएप्पल लगे हुए हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पाइनएप्पल हैं, कुछ पीछे हैं। ये देखें पाइनल लग रहा है, ये फूल लगता है बेसिकली, और ये फूल जो है ये जब इकट्ठा हो जाता है तो ये इकट्ठा होके बेसिकली पाइनएप्पल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अच्छा घास का बड़ा प्रॉब्लम है फ्लोरिडा में, घास जो है ना वो मैं कहता हूँ बड़ी बेहुदा घास होती है, क्योंकि यहाँ ना नीचे सारी रेत है, रेत की वजह से घास अच्छी नहीं लगती यहाँ पे, वो बड़ी रफ सी ये घास है। अच्छा तो ये है जी यहाँ पे मैंने लगाया फालसा, ये कोई भाई जो है पाकिस्तान से फालसा लाए हैं और उन्होंने यहाँ बाग लगाया जॉर्जिया में, और उसके बाद हमने फालसा, और बड़ा ज़बरदस्त फालसा लगता है, काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है ये। और ये देखिए फूल लगे हुए, मई में ये फालसा अप्रैल और मई में शुरू हो जाएगा। ये मैंने ब्लैकबेरीज लगाई हुई थी, और ये लगाया हुआ जी चेरी, चेरीज आपने खाई होंगी ज़रूर। अभी तक ये पौधे को लगे हुए हो चुके हैं 2-3 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ये पौधे ने फल नहीं दिया, तो इसको मैंने बांधा हुआ है, ये ना एक तूफान में गिर गया था। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी ये भी, ये है जी लीची, तो ये लीची भी मेरी गिर गई, टूट गई थी, 3 साल का पौधा था, लेकिन फिर मुझे एक आमों के बाग से बकायदा उतने ही साइज का पौधा मिल गया, अब माशाल्लाह ये चल पड़ा है, और ये लग रहा है कि ये इस पे फ्रूट इस साल लगेगा, ये देख रहे हैं। तो ये है जी लीची। अच्छा लीची के बाद आते हैं जी ये फ्लोरिडा में, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किन्नू फ्लोरिडा में होता है। इस पौधे के साथ भी मसला ये हुआ कि जब हरिकेन आता है ना अक्टूबर से, वो जो अगस्त से अक्टूबर के दरमियान, वो ये भी गिर गया था, इसी वजह से ये पौधा मरा हुआ है, चल नहीं रहा। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि ये निकाल दें, निकाल के जो है यहाँ पे दोबारा एक नया किन्नू का पौधा लगाएं जो ताज़ा हो। और ये है जी लुकाट, बिल्कुल आखिरी सीजन है इस वक्त लुकाट का, कुछ खड़ी है, कुछ हमने तोड़ के खा लिए। और अच्छा इसका ये बहुत छोटा सीजन है, बहुत छोटी लुकाट है, मैंने छोड़ दी थी कि थोड़ी मोटी हो जाए, लेकिन वो ना ऊपर ही ऊपर पक के ना ज़ाया होने लग गई है। तो आप चलते हैं जी पीछे, तो पीछे हमने ये बेसिकली बाड़ लगा के पूरी अपनी एक, क्योंकि दीवारें तो है नहीं,
तो मैंने ये बाड़ लगा के पूरी जो है वो अपना कोशिश किया कि एक पर्दा बन जाए। अच्छा ये भी आड़ू है जी, ये आड़ू चल पड़ा है, ये पिछले साल लगाया था हमने, तो अब तक ये पौधा बन रहा है माशाल्लाह। अब आ जाए इधर आम के ऊपर, बहुत अच्छे आम है ये, साउथ अमेरिका का आम है, ग्वाटेमाला के एरिए का, ग्वाटेमाला एक मुल्क है। तो उसमें इस दफा प्रॉब्लम ये हुआ है यार, फल बड़ा थोड़ा नजर आ रहा है मुझे इसके ऊपर, इमलियां बन गई हैं। हुआ ये है कि आज जो है वो अप्रैल आ चुकी है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लेकिन उस वक्त भी ये नहीं कि ठंड है, आज रात को 10 डिग्री 8 डिग्री है, उसकी वजह से जो फल लगना चाहिए था उतना फल नहीं लगा इस साल। हालांकि तो पौधा खैर छोटा है, लेकिन बहुत ही ये चौंसे और दुशहरी का मिक्सचर है ये आम जी, इसमें चौंसे जैसा साइज है, उसी जैसा टेस्ट है और दुशहरी जैसी खुशबू है। ये पीछे मेरे हमसाये साहब का आम है, ये अगर आपने पाकिस्तान में फजरी बुलेवाल सुना हो, वो जो बहुत मोटा सारा आम होता है, अच्छा इनका इनका फल बहुत लगा हुआ है, ये इसका फल जल्दी उठाता है, तो वो सर्दी आने से पहले ना जब शुरू में गर्मी आई मार्च में, तो फल उठा लिया था उसने। ये हमारे साथ फलों का घर है। और तो चलें अब आपको हम परली साइड बाकी पौधे दिखाते हैं। अच्छा जी ये है तो ये अमरूद का पौधा, लेकिन ये पौधा कम और दरख्त बन चुका है, तो यहाँ की जो जमीन है इसका मतलब है वो अमरूद को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और ये बैठे हैं जी हमारे बैनी साहब, अल्लाह ने उनका रंग इतना खूबसूरत बनाया कि वो पत्तों के अंदर उनको पता ही नहीं चलता कि ये बैठा कहाँ पे है। तो इसमें दो फल लगते हैं, दो फल हैं, एक सर्दियों में फरवरी के दरमियान और दूसरा गर्मियों का है। गर्मियों वाले में खास तौर पे मसला है कि उसमें जो है बहुत ज्यादा कीड़ा लग जाता है। तो अच्छा ये भी ये मैंने लगाया हुआ है परसीमम, ये पिछले साल लगाया था, तो अब ये पहली दफा इसने ग्रोथ करनी शुरू की है परसीमम, तो देखते हैं अब ये परसीमम साहब जो हैं बड़े होते हैं, ये भी पूरा ऑलमोस्ट छोटा सा दरख्त बन जाता है। चलो जी आगे चलते हैं, बैनी साहब बैठे हैं, बैनी साहब के पर कटे हुए नहीं और मुझे डर ये लगता है ये उड़ी ना जाए। बैनी बोलता बहुत है, कभी इसके आपका व्लॉग आपको दिखाएंगे जिसमें ये बहुत बातें करता है, कोई 20-25 लफ्ज बोलता है। आ जाओ बेटा, तो इसके इसको कहते हैं जी बैनी, सारा दिन नोमी नोमी करता है, और लेकिन आप इसके पर कटने वाले हैं क्योंकि अभी ये साहब उड़ रहे थे। आ जाएं बैनी साहब। तो ये बैनी साहब है जी, काफ़ी कुछ उर्दू में बातें करते हैं, कुछ इंग्लिश में करते हैं, जो हमारे से जनता वैसे ही बोलते हैं। अच्छा बैनी साहब आओ आप सारों को चीकू दिखाते हैं। ये है जी चीकू, और ये भी अच्छी मज़ेदार बात, हरिकेन की वजह से ये टूट गया था, दरमियान से मैंने इसे जोड़ के, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने इसको बकायदा टेप से फिर जोड़ा इस जोड़ पे, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वो दोबारा जुड़ गया, लेकिन ये बड़ा पुराना पौधा है, टाइम लगता है चीकू को। ये देखें ये चीकू लगा हुआ भी है, अभी मैंने एक्चुअली इसकी फसल उतार ली, इस पर कोई 10 किलो चीकू निकले थे इससे छोटे से पौधे से, तो वो आप निकाल के 10 दिन लगते हैं आप चीकू को जो है रखना पड़ता है, वरना जो है चीकू साहब जो हैं वो खट्टे होते हैं या कच्चे होते हैं। अच्छा यहाँ पे भी इसी तरह से एक नींबू था जो चल नहीं रहा था, और मैंने आके ये ज़बरदस्त किस्म का एक मीठी वैरायटी है, टेंजिलो कहते हैं इसको, बेसिकली संतरा टाइप एक है, ये लगाया। और ये है जी अंजीर, देखिए कुछ अंजीरें कभी कभार लग जाती हैं और बड़ी मज़ेदार ताज़ी ताज़ी अंजीर होती है, नहीं आज तो अभी तो फल नहीं है। यहाँ पे पपाया था वो उड़ गए उसी से हरिकेन से। अच्छा और ये है जी आड़ू, ये भी आड़ू है, तो ये हमारा बेसिकली ये तीसरा पौधा, टोटल 4 हैं, इस पर देखेंगे फल लगना शुरू हो गया एक्चुअली इस तरह। ये मैंने लगाया हुआ अनार, अभी तक इस पर फल नहीं लगा, तो कुछ पौधों में बहुत तेजी से फल लगता है और कुछ पे टाइम ले जाता है। और ये है नेक्टेरियन, अच्छा ये नेक्टेरियन जो है ना ये आप समझें कि है तो आड़ू ही, लेकिन आड़ू और समझे आलू बुखारे का मिक्सचर है ये, तो आड़ू बिल्कुल आड़ू का साइज है, आड़ू का टेस्ट है, लेकिन जो आलू बुखारे की तरह से वो उसको पर ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस ही है, तो ज़रा डिफरेंट सी चीज़ है, उतना सॉफ्ट है आलू बुखारे की तरह से और है बिल्कुल आड़ू, तो उसको कहते हैं नेक्टेरियन। तो ये थे जी हमारे थोड़े से पौधे, तो मैंने कहा चलें आज आपको ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है तो ये दिखाते हैं। पीछे मैंने तोते रखे हुए हैं, वो तो आपने कई व्लॉग्स में देख लिए होंगे,
एक्चुअली मुझे एक और चीज याद आई, यहाँ पे अगस्त 2022 में जब रैम्बो भाई आए थे तो उन्होंने यहाँ पे एक पाइनएप्पल लगाया था और उसकी वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे रैम्बो भाई के चैनल पे, जो लोग रैम्बो भाई को फॉलो करते हैं। अफजल खान, ये देखे, ये उन्होंने पाइनएप्पल पे हाथ से लगाया था उस वीडियो में, ये माशाल्लाह उस पे पाइनएप्पल लग गया है। अच्छा, उसके साथ जो है ये मैंने बेल लगाई, ये है पैशन फ्रूट भाई, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ये फ्रूट है और पैशन फ्रूट उसका नाम बिल्कुल सही है, पैशन। तो ये थी जी छोटी सी आज अपडेट हमारे पौधों की, और आपको मैंने कहा दिखाते हैं कि यहाँ की जो है फ्लोरिडा में रहते हुए बिल्कुल समझे लाहौर जैसा मौसम है, मुल्तान जैसा मौसम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे गर्मियों में 40 डिग्री तक जाता है, 50 नहीं जाता, तो 40 मैक्स होता है, और क्योंकि समुंदर पास है। तो ये बैनी साहब हैं, इन बैनी साहब, ये बड़ा प्यारा बच्चा है जी, सौरा दे नोमी आजो बैठो हेलो हाय और बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जो ही कैमरा देखता है चुप हो जाता है। तो इसकी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है इसका व्लॉग बनाना, कि जो ही कैमरा देखता है खामोश हो जाते हैं सब। अब मैं कैमरा बंद करूँगा बातें शुरू कर देंगे, कैमरे को देखता जाएगा तो बंद, लेकिन ये कि मैं छुप छुप के इसकी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो जो ही इसका व्लॉग मुकम्मल होगा पूरा, बैनी साहब वन डे विद बैनी आपको इंशाल्लाह वो दिखाएंगे। तो नोमी भाई की तरफ से ये छोटे से व्लॉग में से खुदा हाफिज़, और फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। बैनी अल्लाह हाफिज़ करें, अभी अल्लाह हाफिज़ करना शुरू नहीं किया, वो मैं सिखा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़ भाई।